हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल विज्ञान गुरुजी। और हमने एक प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की थी जो कि लसा और मसा और कुछ प्रश्न नंबर सिस्टम के भी होंगे, उसी का ये सेट नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 से होगा, क्योंकि सेट नंबर 1 में हमने 1 से लेकर 15 तक की बात कर ली थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, 60 और 72 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बराबर होगा। ऑप्शन ए है दोनों संख्याओं के योग के, बी है दोनों संख्याओं के अंतर के, सी है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, और डी है दोनों संख्याओं के भागफल के। मैंने पहले भी बता रखा है कि मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, मान लीजिए संख्या 1 है और 2 है, ठीक है, इनका लॉसा कुछ आता है और मौसा कुछ आता है, यानी कि LCF। तो कहा जाता है कि ये दोनों आपस में बराबर तब होते हैं जब इनके गुणनफल भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि 6, 10 और 15 का लसा है, ठीक है। ऑप्शन है 30, 60, 90 और 900। तो प्रश्न दिया था 60, 10 और 15, इसका लसा बताना है। तो सबसे बड़ा कॉमन ढूंढते हैं, सबसे बड़ा कॉमन फिलहाल के लिए, सब में कुछ नहीं है, तो पहले दो संख्याओं को लेते हैं। इन दो संख्याओं में क्या कॉमन है? दो कॉमन है, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5, और 15 का तो 15 ही रह जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, तो 5 हम बाहर निकाल लेते हैं, 3 तो ऐसे ही बच जाएगा, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 3 बच गया। अब जो कॉमन मिला, सॉरी, अभी अगला एक और कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 1, 1 और 1, तो सभी कॉमन्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 + 15, 15 × 30, लॉसा हो गया 30, जो कि ऑप्शन संख्या ए में दिया है 17 का 30। तो 6, 10, 15 का लॉसा कितना हो गया? 30। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या हमारे 18 के तरफ। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि 25 / 3, 25 / 5 और 25 / 7, लिख देता हूँ मैं, 25 / 5 और 25 / 7 का लॉसा होगा। ऑप्शन ए है 25 / 3, बी है 25 / 5 और सी है 25 / 7। तो हमने कहा था कि जब संख्याओं का आधार समान हो जाए तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाती है? लॉसा हो जाती है। तो यही हमारा हो जाएगा लॉसा, जो कि ऑप्शन संख्या सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी जो है 25 / 7, वो हमारा हो जाता लॉसा। अच्छा, बाय द वे, मान लीजिए मौसा पूछ देता तो हमने कहा था कि आधार समान होती है तो जो सबसे छोटी घात होगी वही हमारी क्या होगी? मौसा होगी। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। मौसा के लिए सबसे छोटी घात, लसा के लिए सबसे बड़ी घात, लेकिन कब? जब आधार समान हो। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 8। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 के तरफ। 19 है हमारा, 20, 30 व 50 का मौसा होगा। ऑप्शन ए है 5, बी है 10, सी है 15, डी है 17। तो संख्या हम लिख देते हैं 20, 30 और 50 का। तो सबसे बड़ा कॉमन पहले ढूंढें, हम 10 मिल गया, तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5। अब क्या कोई कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो यहीं रुक जाएंगे। और हमारा मौसा कौन सा हो जाएगा? सिर्फ कॉमन वाली संख्या। तो कॉमन वाली संख्या कितनी है? 10। तो मौसा हो गया 10, जो कि ऑप्शन संख्या बी में दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन बी में। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न कहता है कि 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं। 12 और 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले हमें 12 और 15 के गुणनखंड निकालने होंगे। 12 के गुणनखंड होगा 1, 2, 3, 4, 6 और खुद 12। गुणनखंड भी सभी संख्याएं होती हैं जिनसे हमारी दी गई संख्या कट जाती है। याद रखिएगा, ये वाला जो हम लिखते हैं 2 × 3 × 2, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन ये सिर्फ क्या है? गुणनखंड है। ऐसे ही 15 के गुणनखंड निकालेंगे तो 1, 3, 5 और 15 मिलेगा। अब इसमें सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन ढूंढना है, तो 1, 3 और आगे कोई मिला नहीं, तो 1 और 3 जो है वो हमारा सर्वनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन संख्या डी के पास है। 12 और 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड में 1 और
तीन आपका सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, तो 20वें का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 के तरफ। कह रहा है कि 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। मैंने अभाज्य गुणनखंड आपको बता रखा है। अभाज्य गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो इसको काट दे, लेकिन वे सभी संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसका गुणनखंड निकालने का एक ही तरीका है कि आप संख्या को ऐसे लिखिए और भाग विधि से इसका गुणनखंड निकालिए, ठीक है। इसका जब गुणनखंड निकालना शुरू करेंगे तो हम क्या करते हैं, दो जीरो दिया है ना, अभी इस दो जीरो को भूल जाते हैं, क्योंकि दो जीरो का मतलब 100 होता है, ठीक है। और 100 के गुणनखंड आपको मिल जाएंगे 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। तो इतना हमें निकालना नहीं पड़ेगा, हमें बस इसी संख्या का निकालना पड़ेगा। तो 2 से काट के देखते हैं, 2 × 1 = 2 बच गया 1, ये हो गया 17, फिर 2 × 8 = 16, फिर 2 × 9 = 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9। अभी भी ये 3 से कटेगा, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 3। अभी भी 3 से कटेगा, 3 × 7 = 21, अब 7 से कटेगा, ठीक है। तो ये तो संख्याएं मिली ही, साथ ही साथ ये भी संख्या तो इसी में इन्वॉल्व है। तो हम पहले दो वालों को लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2, दो बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तीन बार लिख दिया। फिर इसके बाद तीन वाले पे आते हैं, 3 × 3 × 3। इसके बाद पांच वाले पे आते हैं, 5 × 5। और इसके बाद 7 पे आते हैं, तो 7 × 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं ये किस ऑप्शन में दे रखा है। तो बी को देखते हैं, जो सबसे बड़ा है। इसमें 3 × 2 है, 3 × 3 है, 2 × 5 है, 1 × 7 है। 3 × 2 है, 3 × 3 है, 2 × 5 है, 1 × 7 है। तो ऑप्शन संख्या बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 के तरफ। कह रहा है कि निम्न में से 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है। 316 का गुणनखंड नहीं है, यानी कि जो संख्या 316 को नहीं काटेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, 316 का गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को काटे देती हैं। तो प्रश्न था 316 और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, 1, बी जो है 158, सी जो है 79 और डी है 8। तो जरा 1 को देखिए, 1 सभी संख्या को काटती है, तो 1 तो है। 158 दूना हो जाता है 316, तो ये भी काटेगा। और 79 जो है, 79 चौके हो जाता है 316, तो ये भी काटेगा। 8 से काटना चाहे तो 8 × 3 = 24, बच गया 7, और 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 2 = 64, 8 × 9 = 72, यहाँ 76 बच रहा है। तो 8 एक ऐसी संख्या जो इसको नहीं काटती है, इसलिए 8 जो है वो हमारी दी गई संख्या का एक गुणनखंड नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 के तरफ। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि 3/4 और 4/5 का योग निम्नलिखित में से प्राप्त हो सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो हम पहले लिख देते हैं संख्या को, 3/4 और 4/5 का योग है, ठीक है। योग करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ करेंगे तो मिलेगा 3 × 5 + 4 × 4 और बटे में क्या हो जाएगा, 4 × 5, ठीक है। तो हमने लिख दिया ये, जो कि आपके ऑप्शन संख्या बी के पास है। देख लीजिए बी को ध्यान से, 3 × 5 = 4 × 4 / 4 × 5, तो ऑप्शन संख्या बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा 23 के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 के तरफ। कह रहा है कि 7/15 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/5 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं, 7/15 में से मान लीजिए हम x को घटाते हैं तो उत्तर हो जाता है 2/5, ठीक है। हमें अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये बताइए, ये धन ऋण के रूप में इसको इधर भेज देते हैं और इस वाले को इधर भेज देते हैं, तो चिन्ह तो बदल जाएगा। तो ये इधर जाएगा तो सिर्फ यक्स हो जाएगा, क्योंकि प्लस के साथ बदलेगा तो प्लस चिन्ह को नहीं दिखाते हैं। यहाँ 7/15 पहले से है, ये इधर आ रहा है, तो घटने के लिए आएगा 2/5। अब 15 और 5 का लॉसा जो होगा वो 15 हो जाएगा, 15 से भाग देंगे, 15 × 15 = 1 आएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे, 7 × 7 =
पाँच से पंद्रह में भाग देंगे, तीन बार में कटेगा, उसी तीन का गुणा दो में करेंगे तो तीन दूना छः, आ गया एक बटा पंद्रह, यानी कि x की वैल्यू आ गई एक बटा पंद्रह। तो एक बटा पंद्रह घटाने पर उत्तर दो बटे पाँच मिलेगा, जो कि ऑप्शन संख्या ए के पास है। तो आपका चौबीसवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए एक बटे पाँच। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 के तरफ। प्रश्न संख्या 25 हमारा कह रहा है कि 18, 24 व 72 का मौसा ज्ञात करें। 18, 24 और 72 का मौसा, तो मौसा निकालने के लिए भी हम कॉमन देखते हैं। तो सबसे बड़ा कॉमन क्या मिलेगा, सबसे बड़ा कॉमन आपको 6 मिलेगा। 6 3 18, 6 4 24, 6 करने 6, 6 दूना 12। अब इसमें चूंकि निकालना है हमें मौसा, तो मौसा अब तीनों में क्या कोई कॉमन है, नहीं, तो यहीं रुक जाएंगे और मौसा हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मौसा हो गया 6, जो कि ऑप्शन संख्या ए के। हमने इस सेट में सिर्फ 16 से लेके 25 क्वेश्चन तक बात किया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।